नहीं बनेंगे अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, मैं आज कीमा बनाने जा रही हूँ। कीमा की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं रेडी करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चीज़ें जो मैंने इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, ये हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम आज आलू कीमा बनाने जा रहे हैं। दो मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। सात मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं, तकरीबन 3 to 4 है ये। और जो ऑनियन है वो तकरीबन मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 लिए थे, और इसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। मसालों में मैंने चिली फ्लेक्स डालूंगी, 7 नमक है मेरे पास, रेड चिली पाउडर है, टर्मिक पाउडर है, गरम मसाला है, और ये है मेरे पास सूखा धनिया। और इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ ज़ीरा, और गार्निश के लिए ये हरा धनिया, जो कि आपको पता है कि मैं ऑलवेज़ अपने खाने में यूज़ करती हूँ। और साथ ही मैंने ये 3 से 4 आलू लिए थे, इसको बारीक बारीक इसके पीसीस कर लिए। अब हमने एक पैन ले लेना है, और इसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल तकरीबन मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब वो ऐड करने जा रही हूँ, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास जिंजर गार्लिक है। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लेना है, और इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी। जब ज़ीरा आपका गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो इसके अंदर हमने कीमा ऐड कर देना है। कीमा ऐड करने के बाद इसको ऑयल में हल्का सा जीरे के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे, और फिर इसके साथ ही मैं इसमें जिंजर और गार्लिक की जो पेस्ट है मैंने फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ज़ीरा जो आपने इसके अंदर हमने ऐड किया है, उससे इसकी जो खुशबू है कीमे की वो बहुत ज़बरदस्त सी आती है। ज़रा सा जैसे ही कीमे का कलर चेंज होने लगे, तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ये टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें, ये सारी हमने ऐड कर देनी है। और फिर इसके साथ ही हमने जो मैंने आपको मसाले बताए थे, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इनको, ये सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी है, रेड चिली पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स, ये सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1/2 कप जो है वो पानी ऐड कर दूंगी। पानी डालने के बाद अब हमने इसको ढक के पकाना है तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, जब तक हमारे ये सारे मसाले जो हैं वो सही तरह कुक नहीं हो जाते। कीमे को तकरीबन 1/2 आवर हो चुका है, आप देखें मसाला इसका अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो जब मैं इसकी भुनाई करने लगूंगी, तो फिर ये बिल्कुल इसके अंदर नज़र भी नहीं आएगा। तो फुल हीट करके अब मैं इसका जो पानी है वो ड्राई कर लूँगी। जब इसके अंदर इतना सा पानी रह जाए, तो साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू। तो ये दोनों चीज़ें जो है फिर टुगेदर कुक होंगी, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आलू भी जो है वो अच्छी तरह से इसके साथ गल जाएंगे। ठीक है, बस अब मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। पानी इसका देखे ड्राई हो गया। अब हमने आलू को और कीमे को टुगेदर जो है वो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि जो बिल्कुल भी कीमे में से स्मेल नहीं आ रही, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना,
जब आप घर में इसको ट्राई करेंगी तो आपको पता चलेगा कि कीमा कितना मज़े का रेडी हुआ है। तो बस अब हमारा ये कीमा रेडी है। देखिए इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है और ग्रेवी भी है साथ, बिल्कुल ड्राई नहीं है। कि अगर आप कीमा आलू बनाएं तो वो बहुत ड्राई भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इस सूरत में इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए आप हमारे कीमे की शक्ल कितनी ज़बरदस्त आई है। और बस अब हम इसको दम दे देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो खुशबू है वो कीमे के अंदर आए और उसका टेस्ट भी जो है ये कोरिएंडर और ग्रीन चिली से चेंज हो जाता है। तो बस ये हमारा जो है वो आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।